हरे कृष्णा मनीष प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी माता जी आ रहे हैं क्या? मतलब जैसे कल को होस्ट बनाया था, शेयर कर सकते हैं स्क्रीन? माता जी मुझे भी ऐसा इतना आइडिया नहीं है मुझे भी। अच्छा, कल मतलब इनके पास होस्ट की है क्या, रुचा माता जी के पास? क्योंकि माता जी मैसेज मतलब जो आया हुआ है वो 5:30 बजे किसी दूसरे इसपे से लीड करने वाला है कोई, वो ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ उनका नंबर लिखा हुआ है, अभी मुझे नाम उनका मुझे भी पता नहीं ठीक से। अच्छा हाँ जी, बाकी वो सेटिंग्स करने हो? हाँ, सेटिंग्स तो कोस्ट के बाद ही हो गए एक्चुअली, और सेटिंग ठीक है ना? ठीक है, अगर आएंगे थोड़ी देर हम वेट करते हैं, अगर आएंगे तो अच्छा हो जाएगा, तो क्योंकि फिर स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। और ये अध्याय थोड़ा छोटा है तो 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं। जी जी माता जी। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हम होस्ट बना देते हैं आपको। अच्छा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्ययन के इस 5वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का सार हम पहले जान लेते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, और इस अध्याय में हम देखेंगे कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो बाह्य रूप से तो दिखता है कि वो सभी कर्मों को कर रहा है, बाह्य रूप से सभी कर्मों को करते हुए वो दिखता है, लेकिन आंतरिक रूप से वो उन सभी कर्म फलों का त्याग कर देता है।
और ऐसा ज्ञानी ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर फिर वो शांति, वैराग्य, सहनशीलता, आध्यात्मिक दृष्टि तथा आनंद को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग। कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, कर्मयोग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अर्जुन उवाच, संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि, यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान उवाच, संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस कराउभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। गेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्मफलों से घृणा करता है और न कर्मफल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवर्तन्ति न पंडितः एकम् अप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यत् सांख्ये हि प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् सांख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यत तत्त्ववित् पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबसे पृथक है। ब्रह्मण्याथाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोत्य लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। योगीजन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है तब वह नौ द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञाने अनावृत्तं ज्ञानम तेना मुह्यन्ति चन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। ज्ञानेन तु तद् ज्ञानम् येषां नाशितम् आत्मनः तेषां आदित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस तन्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्त्य अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धुत कल्मषः। जब मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। इह वतर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष है और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मवित ब्रह्मणि स्थिता। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, जो भगवद विद्या को जानने वाला है वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्श स्वसक्तात्मा विन्द्यत्य आत्मनि यत् सुखम्
स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्श भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते शूर मते बुध। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। योन्तो सुखोंतरा हरामस्तथान्तर ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्मभूतोधिगच्छति। जो अंतकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषः छिन्नद्वैध्वा यथात्मानः सर्वभूत हितेरता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध विमुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नास्यभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है, वह अवश्य ही मुक्त है। भोक्तारं यत्य तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितेशी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविज्ञायं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगनाम पञ्चमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, बहुत बहुत हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा माताजी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माताजी। गौरव प्रभु को होस्ट बनाई। जी जी जी, अभी
जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी कीर्तन स्टार्ट करें? जी जी माता जी जरूर, प्लीज कीजिए प्लीज। जी अदरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिनम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम जनितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणीर्मधुर पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं उक्तं मधुरं सुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं कूपा मधुरा कावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माफ कीजिएगा माता जी, आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गया है। अरे मुझे बोलना था माता जी। नहीं नहीं माता जी, वो अभी मुझे रियलाइज हुआ। नहीं माता जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गुप्ता कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानु सुते देवी नमामि हरि प्रिये नमः। ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारे निर्विशेषा शून्यवाद पाश्चादेशतारणे जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री भाषादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी प्रश्न है तो ले लें। प्लीज ले लीजिए, अभी है 5 मिनट। जी लेकिन लोग कम है, अगर है तो ले सकते हैं। जी किसी के प्रश्न है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का अगर कोई प्रश्न है। राधाकांत राउत प्रभु प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। बोलिए प्रभु जी, बोलिए। माता जी सुप्रभात। हरे कृष्णा प्रभु सुप्रभात। जी जी बोलिए माता जी। जब भी जीवन में कुछ भी, जैसे कि कर्म योग आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक उसी तरह अपने जीवन में जो कर्म क्षेत्र में हम है, जो हमारे दायित्व तो है, जैसे कि मैं शिक्षक हूँ, बच्चों को ठीक से पढ़ाना मेरा कर्तव्य है, उसके साथ मैं कुछ हायर एजुकेशन भी कर रहा हूँ, उच्च शिक्षा कुछ ले रहा हूँ, तो मेरा कर्तव्य भी है कि मैं ठीक से पढ़ना भी है और मेरे मेरे परिवार भी है तो उनको भी ठीक से देखना है। बिल्कुल प्रभु। तो ये सारे को जब मैं ठीक से सुनियोजित करके, मतलब अच्छे से मैनेज करके जीवन में जब आगे बढ़ता हूँ तो कुछ ऐसे पर्सनल प्रॉब्लम होता है जिससे मैं एकदम मतलब उभर नहीं पाता हूँ, मैं एकदम जकड़ जाता हूँ। जी प्रभु जी। तो उस समय मैं कैसे सारे चीजों को ठीक से मैनेज करूँ, सबको ठीक से देखूँ और अपने आप को भी देखूँ और मतलब भगवान कृष्ण को जब भी याद करूं ताकि मुझे लगे कि हाँ कृष्ण जी है और मेरा सारे असुविधाएं दूर हो जाएगा, नहीं तो परेशान हो जाता हूँ कभी कभी रात में नींद भी नहीं आता है। प्रभु जी क्या है, भौतिक जगत में आप ही नहीं है, जो भी यहाँ है भौतिक जगत में, यहाँ पग पग पर कठिनाइयां है, हर किसी के साथ है, यहाँ सुखी कोई नहीं है, क्योंकि इसे मृत्यु लोक कहा गया है। इस भौतिक जगत को मृत्यु लोक कहा गया है, यहाँ कदम कदम पर परेशानियां हैं, कष्ट हैं, लेकिन हमें शांति से धैर्य से, क्योंकि अगर हम विचलित हुए तो हम और मुश्किलों में फंस सकते हैं। ध्यान से उसके लिए ऐसा होता है, जब हम उलझन में होते हैं गुरु के पास जाते हैं, गुरु हमारी समस्याओं के हल करते हैं। तो लेकिन ऐसा है कि जब तक दीक्षा नहीं होती है, हम इस मार्ग में आगे नहीं बढ़े होते हैं, तो गुरु की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए पहली बात तो जो आपके परिवार के सयाने लोग वो आपको सहायता कर सकते हैं इसमें। दूसरा शांति से धैर्य से, क्योंकि सबके सबको जहां जो भी भौतिक उसमें है अपने फर्ज पूरे करने हैं, अपने कर्तव्य निभाने हर किसी को, और कर्म करना है, जो जॉब करना है या बिजनेस करना है, तभी तो वो अपने परिवार की देखभाल कर सकेगा ना। लेकिन इसके साथ ही थोड़ा समय निकाल के भगवत भक्ति की ओर आप बढ़िए, थोड़ा सा समय निकाल के, तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी प्रभु जी। जब आप भगवान की शरण ग्रहण कर लेंगे तो फिर ये समस्याएं आपको तंग नहीं करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको भक्ति के मार्ग को अपनाना है थोड़ा सा समय निकाल के। और भगवत गीता के अनुसार यही हल है,
अगर हम धीरे धीरे भगवत भक्ति की ओर बढ़ते हैं तो तब हम इन जो मुश्किलें हैं हमारी उनसे हम निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान हर हाल में अपने भक्त की सहायता करते हैं। जी प्रभु जी, जी जी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी, चैट में प्रश्न आया है कि जी भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति में क्या अंतर है। भगवान की वैसे तो कई शक्तियां हैं प्रभु जी, जो खास दो शक्तियां हैं वो हम जैसे आप कहिए, जैसे ये तीन शक्तियां है ना, प्राकृतिक शक्तियां हैं, तो इसमें ऐसा है प्रभु जी, अपरा शक्ति जो है भगवान की वो बहिरंगा शक्ति कहलाती है, अपरा शक्ति, महामाया शक्ति भी कहते हैं इसको, बहिरंगा शक्ति को। ये जो तीनों प्रकृति के गुण है वो इसके अंडर में, जिनसे हम सब जकड़े हुए हैं, प्राकृतिक गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये बहिरंगा शक्ति के अंडर में है। और इस ये वो है आपका च्युत है, च्युत जिसका पतन हो जाता है। दूसरा है पराशक्ति, पराशक्ति है भगवान की अंतरंगा शक्ति। पहली मैंने आपको बताई बहिरंगा, अब बता रही हूँ अंतरंगा। अंतरंगा शक्ति है पराशक्ति, भगवान की अंतरंगा शक्ति, जिसे योग माया भी कहते हैं। पराशक्ति दिव्य है, वो नष्ट नहीं होती है। च्युत जिसका पतन नहीं होता है, पराशक्ति च्युत है। तो अभी थोड़ा सा ही बताती हूँ प्रभु जी, अब समय हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। भगवत गीता के हम पांचवे अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है कर्मयोग। कर्मयोग भी कौन सा? कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म किसको कहते हैं? जो हम भगवान की सेवा में कर्म करते हैं, जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, छोटी छोटी सेवाएं भी वह कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाते हैं। जैसे भगवान के लिए फूल तोड़ के लाना, माला बनाना, उनका श्रृंगार करना, मंदिर की सफाई करना, भगवान का भोग बनाना, ये सारे कर्म जो है कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाते हैं। इसमें कुछ पहले के अध्याय के उसमें दिया है, सूखी मानसिक अटकलों से बेहतर है भक्ति सेवा। हम सोचे या अपने मन से, जैसे इसका ये जैसे हम अपने मन से जो अटकले करें उनसे बेहतर है भक्ति सेवा। दूसरे अध्याय के टेक्स्ट में 11 से 30 तक कृष्ण द्वारा वर्णित आत्मा का ज्ञान, आत्मा के बारे में वर्णन किया गया दूसरे अध्याय में, क्योंकि आत्मा अजर और अमर है। आत्मा प्रत्येक प्राणी के अंदर, आत्मा परमात्मा दोनों है। आत्मा हमें ये चेतना देती है, तभी हम बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हाथ पैर हिला सकते हैं। जब आत्मा शरीर से बाहर आ जाती है तो व्यक्ति मृत है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। और आत्मा अजर और अमर है, किसी प्रकार हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद टेक्स्ट में दिया था 31 से 37 में निर्धारित कर्तव्य समझाया गया, किसका क्या कर्तव्य है, किसे उसको कैसे पूरा करना चाहिए। उसके बाद फलदायक गतिविधियों के कारण आत्मा का उलझाव, जब भी हम कार्य करते हैं फल की इच्छा से, इस कार्य को करने से मुझे क्या फायदा होगा, तो हमारी आत्मा इस उलझन में आ जाती है, हम उलझ जाते हैं इस भौतिक बंधन में। इसके बाद दिया है 46 से 53 में भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, क्योंकि जो भौतिक चीजों से हमारा लगाव है, हमारी आसक्ति है, हम उलझे हुए हैं उसमें सब तरफ से, उससे अगर हम निकलना चाहते हैं इस भौतिक बंधन से, तो भक्ति सेवा द्वारा अनासक्ति, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति हम करते हैं तो ही हमारी भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति हो सकती है। अभी हमें बहुत ही आसक्ति है हर चीज के प्रति, उससे अनासक्ति हमारी हो सकती है भगवान की भक्ति की करें या भगवान की सेवा करें। तीसरे अध्याय में दिया गया है 17 से 18 में ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। अगर व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो उसके लिए कहा गया है कि उसका फिर कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अगर वो भक्ति के मार्ग में अपने को पूरी तरह से समर्पण करता है। तो अध्याय 4 में कहा गया है कि सभी प्रकार के यज्ञ
कार्य ज्ञान में परिणित होते हैं, ये हमने कल ही पढ़ा है। जो भी हम यज्ञ करते हैं वो ज्ञान में परिणित होते हैं। चौथे अध्याय के अंतिम पद में कृष्ण ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। चौथे अध्याय के अंतिम पद में भगवान ने कहा है कि तुम अपना कर्म करो। अर्जुन का कर्म है युद्ध करना, लड़ने के लिए कहा गया। अर्जुन को भ्रम हो रहा है, अर्जुन भ्रमित है, त्याग या कर्म, वो त्याग करे या युद्ध करे। इसमें इसका पहला श्लोक इसमें दिया है, पांचवे अध्याय का। अर्जुनो वाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च शंससि यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा भगवान को, जब वो भ्रमित हो गया है तो भगवान को कह रहा है, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या अब आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? अर्जुन भ्रमित होकर भगवान से पूछ रहा है कि पहले तो आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो मैं क्या करूं इन दोनों में से? तो इसलिए बताया गया है, भक्ति पूर्वक किया गया कर्म, भक्ति पूर्वक जो भी कर्म हम करते हैं वो चिंतन से श्रेष्ठ है, वो चिंतन से श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है। भक्ति पथ अधिक सरल है, जैसे ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के द्वारा, इसके द्वारा जो निर्विशेषवादी है ब्रह्मज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसके लिए कहा गया है कि इससे भक्ति पथ जो है, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, ये जो पथ है, रास्ता है, अधिक सरल है। भक्ति के द्वारा व्यक्ति अधिक प्रकृति कर सकता है, भक्ति के मार्ग में या आध्यात्मिक मार्ग में। इसके कहा है कि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करने वाली है। दिव्य स्वरूपा भक्ति कहा गया है क्योंकि भक्ति भक्ति भगवान की भक्ति, दिव्य स्वरूपा भक्ति हमें कर्म बंधन से मुक्त करती है। जिस बंधन में हम है, प्रत्येक प्राणी है जकड़ा हुआ भौतिक जगत में, अगर भक्ति के मार्ग पर वो आगे बढ़ता है तो वो इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि दिव्य स्वरूपा भक्ति व्यक्ति को कर्म बंधन से मुक्त करने वाली है, ऐसा कहा। साथ ही इस कहा गया है, एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म, ज्ञान युक्त कर्म नहीं, ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन सोच रहा है ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है। जब वो व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि भक्ति का मार्ग ही सुगम है, इसी से वो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है, तब वो भक्ति भक्ति। इसलिए यहाँ अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ज्ञानमय कार्य जो है, ज्ञानमय संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन यह नहीं समझ पाया है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी नहीं है। अगर व्यक्ति को पता है कि मैं अगर भक्ति के मार्ग में कर्म करूं, भगवान की भक्ति करूं, तो यह कर्म मुझे इस बंधन से बांधने वाला नहीं है, बल्कि दिव्य स्वरूपा भक्ति उसको इस बंधन से मुक्त करने वाली है। दिव्य स्वरूपा भक्ति, अगर वो भक्ति के मार्ग में कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, उनकी सेवा में कर्म कर रहा है, तो वो इस भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है जिसमें वो है, बंधा हुआ है। इसके बाद इसका दूसरा श्लोक दिया है, श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निश्चय सकराभु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। दोनों ही हैं, मुक्त है, इसमें कहा है मुक्ति के लिए कर्म का परित्याग, कर्म का त्याग करना या
भक्ति मय कर्म, भगवान की सेवा में कर्म करना, भगवान कह रहे हैं दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से अच्छा है हम भगवान की भक्ति करें। भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, इसमें कहा है इंद्रियों में लगे, ये इसमें असल में इंद्रिय विषय का चक्र इसमें है, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना ही भव बंधन का कारण है, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहते हैं, अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए, अपने शरीर के सुख के लिए हम कार्य करते हैं, जो हमारे लिए भव बंधन का कारण है। हम इस भव बंधन में इसलिए जकड़े हुए हैं क्योंकि हम फल की इच्छा से कार्य कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की खुशी के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने शरीर के सुख के लिए कार्य कर रहे हैं। यही कारण है हमारा इस बंधन से बंधने का, भौतिक जगत के बंधन जो तीन गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस बंधन से बंधने का एकमात्र कारण है क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ये एक मतलब एक कारण है भव बंधन से बंधने का, इसमें कहा गया है। और इसमें कहा कि जब तक वो विभिन्न प्रकार से, इसमें कहा है कि इसका स्तर, इंद्रिय सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है व्यक्ति, तब तक वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करता रहता है। जब तक वो ये नहीं समझता कि मुझे भगवत भक्ति करनी है, इस बंधन से मुक्ति पानी है, नहीं समझता है जब तक, और अपने इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगा रहता है, तब तक वो इसी भौतिक जगत में बार बार शरीर बदलता रहता है, इसी भौतिक जगत में रह जाता है और यही बार बार शरीर परिवर्तन करता रहता है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी पक्षी के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि वो इस बंधन से कैसे निकले। उसको जब ये ज्ञान हो जाएगा कि भगवत भक्ति से वो इस बंधन से छूट सकता है, इस बंधन से मुक्ति पा सकता है, तब वो इस बंधन से निकलने के लिए दिव्य स्वरूपा भक्ति को अपनाएगा, भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ेगा, तब उसको इस भौतिक चीजों से अनासक्ति होगी, तभी वो इस भव बंधन से निकलने की मतलब कोशिश करेगा और आगे बढ़ा तो निकल सकता है। इसमें ऐसे कहा गया है, इसमें लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत है, प्रत्येक व्यक्ति अपने इंद्रियों को खुश करने में लगा हुआ है, जो कि इसका बंधन का कारण है। इस प्रकार यह शरीर नाशवान है, कब इसका अंत हो जाए मालूम नहीं, यह नाशवान है और नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। आपको पता है कि शरीर हमें कई तरह से कष्ट देता रहता है। और दसवर है, इसमें कहा है जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म न करे और वह यह जान ले कि हर वस्तु भगवान की है, जब तक वह भगवत भक्ति को अपना के ये न सोचे कि ये सोचने लगे कि हर चीज भगवान की है, हर वस्तु भगवान की है, यहाँ तक कि हमारा ये शरीर भी भगवान का है, इसे भी हमें उनकी सेवा में लगाना चाहिए। और इसलिए कहा है कि व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि उसका खुद का कुछ भी नहीं है, उसका खुद का कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है और उसे उनकी सेवा में लगाना चाहिए, तब वो भक्ति के मार्ग में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगा। जब उसे ये ज्ञान हो जाए कि अपना उसका खुद का कुछ भी नहीं है, तब वो इस भौतिक बंधन से निकलने के बारे में सोचने लगेगा और धीरे धीरे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ा तो संभव है वो भौतिक बंधन से छूट सकता है। इसके बाद यहाँ दिया गया है फलदायक गतिविधियों के कारण राजा नृग का पतन हुआ। ये यहाँ ये जो हाथ जोड़े हुए खड़े हैं ये राजा नृग है, ये महान दानी, राजा नृग महान दानी है, लेकिन ये जो दान करते हैं या जो ये गतिविधियां करते हैं इनसे ये फल चाहते हैं, फल की आशा से करते हैं, यही इनके पतन का कारण बना। तो ये आप सोचिए नहीं, हजारों के तादाद में ये गायें दान करते हैं ब्राह्मणों को, हजारों के उसमें, और वो भी सोने से इसको सजा के गाय, महान दानी है, लेकिन इससे फल चाहता है, इससे बदला चाहता है, इसके कारण इसका पतन हुआ राजा नृग का। इसमें कहा है राजा नृग भयंकर गतिविधियों बलिदानों तथा दान करने के शौकीन थे, बलिदानों और दान करने के शौक।
एक गलती हुई, दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट करने और बहुत लंबे समय के लिए छिपकली बनने का पाप पूर्ण परिणाम प्राप्त होता है। राजा ने कहा को ये हुआ क्या कि राजा ने कहा हजारों की संख्या में गायों को दान करते थे, हमेशा ही करते थे। इस बार जब वो दान कर रहे थे, क्योंकि गायें सब एक तरह से सजी हुई थी, उसमें गायों की अलग अलग पहचान नहीं थी, सब एक सी लगती थी। तो राजा ने कहा दान कर रहे थे एक ब्राह्मण को उन्होंने एक गाय दान की, वो गाय भागकर जो गायें दान हो रही है उनमें जाके मिल गई। और वही गाय राजा ने को क्योंकि किसी को भी नहीं पता, अच्छी तरह से सब एक तरह से सजी हुई है, पहचानना मुश्किल है, तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान करती, जिससे दो ब्राह्मण नाराज हो गए। दो ब्राह्मण नाराज हो गए क्योंकि जिसे पहले गाय दी थी वो नाराज हो गया, और दूसरा ब्राह्मण दान की हुई गाय उसको दोबारा दान कर दी गई, इससे नाराज हो गया। तो दो ब्राह्मणों को असंतुष्ट कर दिया राजा ने कहा, इसके कारण उन्हें लंबे समय तक छिपकली के रूप में रहना पड़ा। ये आप देख रहे हैं बड़ी मोटी छिपकली यहाँ पर है, ये तो इसको इनको छिपकली के रूप में रहना पड़ा। ये देखिए इतनी बड़ी छिपकली लंबे समय तक, तो इनका उद्धार हुआ भगवान के हाथ। एक बार भगवान के दोनों पुत्र अनिरुद्ध और प्रद्युम्न जंगल में ऐसे घूम रहे थे, उनको प्यास लगी तो उन्होंने आसपास देखा, उनको दूर एक कुआं दिखा, वो दोनों वहां आए। ये तब की बात है जब भगवान द्वारिका में थे, वो आए कुएं में झांका, देखा एक बड़ी सी छिपकली कुएं में पड़ी है और कुआं सूखा हुआ है, पानी नहीं है उसमें। वो घर गए, उन्होंने भगवान को बताया, भगवान आए, उन्होंने अपने बाएं हाथ से देखे, भगवान के बाएं हाथ से इसके हाथ को खींचा, बाहर कर दिया और इसका उद्धार हो गया। उसी समय ये राजा के रूप में भगवान के सामने खड़े। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो जानते थे सब, फिर भी उन्होंने पूछा तुम क्यों यहाँ हो, लेकिन उसका उद्धार हो गया, भगवान ने उनको उसको छू दिया इसको। लेकिन एक गलती से वो लंबे समय तक छिपकली के रूप में रहा राजा ने कहा। कृष्ण द्वारा मुक्ति, भगवान के द्वारा उसकी मुक्ति हुई। भ्रामक गतिविधियों का परिणाम कबूल करना, भ्रामक गतिविधियां, और इसलिए भक्ति सेवा केवल आत्मा के लिए शुभ कर्म है। भक्ति सेवा आत्मा को हमारे शुद्ध करने वाली है, भक्ति सेवा भक्तिमय सेवा भगवान की। इसके बाद यह है ये प्रापेक्षिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यं फलगो कथ्यते। जब भक्ति भक्ति जब मुक्ति कामी व्यक्ति जो मुक्ति चाहता है जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है, मुक्ति कामी मुक्ति चाहता है लेकिन भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझता है, उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। वो मुक्ति तो चाहता है लेकिन सब वस्तुएं भगवान से संबंधित है, उन्हें वो भौतिक समझता है, उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। उसका संन्यास पूर्ण नहीं हो सकता, संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञान हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि मेरा अपना कुछ भी नहीं है, फिर वो संन्यास ग्रहण करे या नहीं, तो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, जो भी यह समझता है सब कुछ भगवान का है, वह नित्य संन्यासी है, वो वास्तव में संन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए, उसका उपयोग भगवान की सेवा में किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कृष्ण भावना भावित होकर पूरी तरह भगवान कृष्ण की भक्ति में समर्पित होकर इस प्रकार कार्य करना ये उत्तम है, मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। क्योंकि जो मायावादी सन्यासी है वो ध्यान में समय बिताते हैं और अष्टांग योग द्वारा इसके द्वारा अपनी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं।
तभी वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करेंगे, हम भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, भले ही हम साकार भगवान की भक्ति कर रहे हों या निराकार। तो इसमें कहा गया है कि भगवान की कृष्ण भावना भावित होकर, भगवान को समर्पित होकर कार्य करना मायावादी सन्यासियों के कृत्रिम वैराग्य से, जो वो वैराग्य अपना के घंटों साधना करके ध्यान करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उससे कृष्ण भावना भावित होकर भगवान के लिए कार्य करना, भक्ति करना उत्तम है। ये भक्ति रसामत सिंधु से ये श्लोक लिया गया है। इसका अब यह तीसरा श्लोक इसमें दिया है। ज्ञेय सा नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। इसमें कहा है पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति नित्य सन्यासी है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर चुका है, जो पूरी तरह उनकी सेवा कर रहा है, वो जो कुछ कर रहा है भगवान की खुशी के लिए, भगवान की सेवा के लिए और भगवान की भक्ति में, उसका हर क्षण भगवान की भक्ति में जाता है। तो ऐसा कहा गया है ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी है, उसको सन्यास लेकर जंगल में बैठकर तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही सन्यासी है, नित्य सन्यासी है वो, क्योंकि उसका एक एक क्षण भगवान की भक्ति में जा रहा है, भगवान की सेवा में जा रहा है। इसलिए कहा है वह अपने कर्तव्य फल की आकांक्षा नहीं करता, उसको जो कार्य वो कर रहा है उससे कोई फल की इच्छा नहीं है, वो नहीं चाहता कुछ भी, क्योंकि वो भक्ति कर रहा है और वो भगवान के साथ अपनी स्थिति जानता है, वो जानता है भगवान के साथ अपनी स्थिति, और स्वयं वह व्यक्ति के मन में कोई छल कपट नहीं रहता, क्योंकि जो ऐसा भगवान का अनन्य भक्त बनने जा रहा है, पूरी तरह भगवान की सेवा में है, ऐसे भक्त के मन में छल कपट तो हो ही नहीं सकता, रहित है वो छल कपट से, क्योंकि वह जो कुछ करता है वह कृष्ण के लिए करता है। इस तरह वह छल कपट से रहित होकर इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवत भक्ति में जो भक्त आगे बढ़ रहा है तो वो अवश्य इस भौतिक बंधन से निकल जाएगा। इसमें कहा है कि उसको अंत में वो इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह भगवान की भक्ति में अग्रसर है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहा है। कर्म योग या कर्म संन्यास इसमें कहा गया है, पूछा गया है, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, क्योंकि हम कर्म का त्याग न करें, हम जो काम कर रहे हैं अच्छी तरह करें, बहुत मेहनत से करें उसको, लेकिन उससे फल की इच्छा ना करें, ऐसा इसमें यहाँ दिया गया है। कर्म फल का त्याग करो, कर्म का नहीं, हमें जो भी काम हम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से करना है, लेकिन फल की इच्छा के बिना, क्योंकि फल की इच्छा से हम अगर कार्य करते हैं तो हम इस बंधन की ओर और बढ़ते हैं, और हम कर्म करते हैं बिना फल की इच्छा के, या उससे मिलने वाला परिणाम या फल भगवान के चरणों में छोड़ देते हैं, तो हम इस बंधन से निकल सकते हैं। इसके बाद दिया है नामाचार्य हरिदास ठाकुर के बारे में, जो मैं आपको कहती हूँ कि इस मंत्र में, जो महामंत्र है चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है, इस मंत्र में बहुत शक्ति है, अपार शक्ति है, उसके लिए हमने यहाँ ये थोड़ा सा डाला है, ये सत्य है, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जैसे हम प्रभुपाद जी ने हमको कहा है 16 माला रोज करने के लिए, लेकिन ये 192 माला करते हैं, ये माला के सिवा और कुछ नहीं करते, महामंत्र के जप के सिवा कुछ नहीं करते हैं, 192 माला। आप सोचिए 16 माला करने में ही हमें मुश्किल पड़ता है, 192 माला रोज करते हैं। तो इनका ये साधना देखकर ये माया स्त्री रूप में आकर इनके जो ये, बल्कि घर में भी नहीं, ये गुफा में रहते हैं, गुफा के द्वार पर आके वो इनको इस तपस्या से विफल करना चाहते हैं,
इससे इनको गिराना चाहती है। इसमें सुंदर स्त्री के रूप में आकर इनके दरवाजे पर शाम के समय आकर इनके दरवाजे पर इनको कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठिए, मैं अपने जप खत्म कर लूं फिर आपसे बात करता हूँ। और ये पूरी रात जप करते रहे, महामंत्र का जाप करते रहे। ये जो स्त्री आई थी इनको विफल करने के लिए, इनको इस साधना से गिराने के लिए, वो इस गुफा के दरवाजे पर बैठी है, सुन रही है। रात भर वो जप करते रहे, ये सुनती रही। सुबह होते होते वो चली गई क्योंकि इनकी माला पूरी हुई नहीं। दूसरे शाम को ये फिर आए, फिर इनको यही कहा कि मैं कल पूरी रात बैठी रही और आपने मेरे से बात नहीं की, मुझे आपसे बात करनी। ठीक है, उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं थोड़ा सा माला बची है इसे खत्म करता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक है, फिर वो जप करते रहे रात भर और वो सुनती रही बैठ के। उस रात भी उनकी माला खत्म नहीं, दो रात से ऐसे गुजरा। तीसरी शाम को ये फिर आई तीसरी और कहा कि मैं दो रात से यहाँ बैठ के आपके बात करने का इंतजार कर रही। तो इन्होंने बोला हरिदास ठाकुर ने, बस अभी मेरी माला खत्म होती। तीसरी रात भी वो माला करते रहे अंदर, ये बैठ के सुनती रही। जब तीसरी सुबह हुई, कहां तो ये आई थी इनको इस पथ से विफल करने किराने के लिए। तीसरी सुबह जब हुई, इसने हाथ जोड़े, इस स्त्री ने हाथ जोड़े, इनको कहा आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। आप देखिए कहां तो वो विचार लेके आई थी इनको इस पथ से विफल करने, इनको इस पथ से गिराने के लिए, कहां वो तीसरे दिन कह रही है हाथ जोड़ के कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। इस मंत्र की शक्ति आप देखिए, जबकि उसने जब भी नहीं किया, वो खाली सुनती रही बात गुफा के दरवाजे पर बैठकर। हरिदास ठाकुर अंदर जप कर रहे हैं, उसने मात्र सुना तीन रात और अंत में हाथ जोड़ के उनको कहा कि मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। ये है इस मंत्र की शक्ति, इतनी शक्ति है इस महामंत्र में। तो और दूसरा और एक कारण था, ये गुफा के अंदर एक सांप था और ये भी वही रहते थे, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था उससे, क्योंकि इनको तो फुर्सत ही नहीं अपने माला करने से। लेकिन लोगों ने बोला कि जो लोग आपके दर्शन के लिए आते हैं वो डरते हैं, इसलिए आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, दूसरी जगह चले जाइए। तो इन्होंने बोला ठीक है। जैसे इनके मुंह से निकला कि ये ठीक है, वो सांप वहां से उठ के चला गया, क्योंकि ये ना एक गुफा जैसी दिखी है, इसमें ये रहते थे हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जब सुबह हम प्रणाम करते हैं सबको, तब इनका नाम भी आता है, महान भक्त भगवान के, ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रहे हैं। इसके बाद दिया इसका दसवां श्लोक, इसमें दिया है ब्राह्मणाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः हिप्यन्ते स पापिनः पद्म पत्र विभामसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, जो भी कर्म कर रहा है फल की इच्छा नहीं करता है, उस फलों को भगवान को समर्पित करके और आसक्ति रहित होकर थोड़ा लगाव कम करके अपना कर्म करता है, कर्म करता है लेकिन उससे ज्यादा आसक्ति नहीं है उसको और ना ही फल की इच्छा करता है, उस कर्म से मिलने वाले फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्श रहता है। ऐसा व्यक्ति जो पाप कर्मों से, जो भी पाप कर्म जाने अनजाने उससे हुए हो, उनसे उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अलग रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी भीगता नहीं। आप देख रहे पानी में कमल पत्र, पर उसको कहीं भी पानी, इसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उस बिना फल की इच्छा के और उस कर्म से मिलने वाले फल को वो भगवान को समर्पित कर देता है और अनासक्त होकर, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, अपना कर्म करता है और उससे उसको ज्यादा आसक्ति नहीं है। वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अलग रहता है जिस प्रकार पानी में रहते हुए भी कमल पत्र भीगता नहीं है, उसको पाप छूते नहीं, ऐसा इसमें कहा है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है। भौतिक जगत जिसमें हम सारी वस्तुएं कृष्ण से संबंधित है,
हर वस्तु भगवान की है और कृष्ण ही हर वस्तु के स्वामी है, यहाँ तक कि हमारा यह शरीर भी हमारा नहीं है, इसे भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तभी यह शरीर पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहेगा जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। जब हम यह सोचे कि सब कुछ भगवान का, हर चीज के स्वामी भगवान है और हमारा यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है और इसे हम भगवान की भक्ति में लगाते हैं, कहने का मतलब है जब हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं, भगवान की भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं और जो भी कार्य हम करते हैं बिना फल की इच्छा के करते हैं, उसका उससे हमारे कार्य से हमारे कर्म से मिलने वाले फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो व्यक्ति फिर इस पापमय दुनिया से भौतिक जगत के पापों से उसी प्रकार अलग रहता है जैसे जल में रहते हुए भी कमल पत्र भीगता नहीं है, बिल्कुल जैसे रहता है, जैसे कहा है पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं, पानी नहीं लगता उसको पानी में रहते हुए भी। इसके बाद दिया है इसका, हाँ सॉरी, कि इसमें ये समझाया गया है हमें अपनी उपलब्धियों को कृष्ण के चरणों पर रखना चाहिए ताकि इसके लगाव से छुटकारा मिल सके, जो भी हमें प्राप्त है उपलब्धियां हैं हमारी उनको भगवान के चरणों में समर्पित रखते करना चाहिए ताकि इससे जो हमारा लगाव है आसक्ति है उससे हमें छुटकारा मिल सके, क्योंकि आसक्ति हमें इस बंधन की ओर खींचती है, इसलिए जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उनको भगवान के चरणों में रखना चाहिए। इसके बाद दिया है इसका 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभिहस्तिने सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, विनम्र साधु पुरुष, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि संभाव से देखता है, कौन देखेगा ऐसा संभाव से, जो भक्त है साधु पुरुष है विनम्र है, इसमें कहा है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनियों या जाति में भेद नहीं करता, इसमें कहा सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद है, अर्थहीन है, होते हैं शरीरगत भेद, इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में, वो ये नहीं देखता है किसका शरीर की बनावट कैसी है, कृष्ण भावना भावित भक्ति देखता है कि प्रत्येक प्राणी की शरीर के अंदर परमात्मा स्थित है, वो उसी भाव से सबको एक समान देखता है, वो शरीरगत भेदों को नहीं देखता है, उसमें कहा है परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है भगवान, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है, परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित है, एक चांडाल में भी उपस्थित है और एक ब्राह्मण में भी उपस्थित है, इसमें कहा गया है शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, हमारे शरीर जो उत्पन्न हुए हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले, लेकिन प्रत्येक प्राणी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है और दोनों ही दिव्य है, हमारा शरीर नश्वर है कभी भी नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा और परमात्मा दोनों ही हमारे शरीर के अंदर है और दोनों ही दिव्य है, इसमें कहा है इसमें तो, और परमात्मा के समान आध्यात्मिक गुण, आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान, दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय, किंतु अंतर इतना है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है, इसमें कहा है दोनों बराबर है लेकिन आत्मा सिर्फ उसी शरीर में सचेतन है जिसमें वो है,
लेकिन भगवान प्रत्येक शरीर में है और प्रत्येक शरीर में सचेतन है। आत्मा सिर्फ उसी शरीर में सचेतन है, चेतना। आत्मा जब हमें चेतना देती है तभी तभी जब तक आत्मा से हमें चेतना मिलती है तब तक हम जीवित है, बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा हमारे शरीर से बाहर आई फिर यह शरीर मृत है। चेतना जब तक है वो चेतना हमें मिलती है आत्मा से। और यहाँ दिखाया गया है परमात्मा की बात आई थी, परमात्मा प्रत्येक शरीर सबके हृदय में स्थित है। वो पक्षी है, पशु है, या मनुष्य है, या भक्त है। लेकिन जहाँ अभी श्लोक में बताया गया है जो भगवत भक्त है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो ये नहीं देखता कि किसके शरीर की बनावट कैसी है, वो ये देखते हैं कि प्रत्येक प्राणी के अंदर परमात्मा है, इसलिए वो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसके बाद दिया है इसका ये 22वां श्लोक। ये ही संसार प्रजा भोगा मुख योनय एव ते आदि अंत बंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, जब तक हम अपने इंद्रियों की खुशी के लिए, इंद्रियों की इच्छाओं के लिए हम हैं, तब तक दुख मिलने ही मिलने हैं हमको, क्योंकि हम अपने इंद्रियों की खुशियों में लगे हुए हैं। ये इंद्रिय तृप्ति जो है हमें दुख के सिवा कुछ नहीं देती है। यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता है, इंद्रिय सुख में आनंद नहीं लेता है। जो चतुर व्यक्ति है, जो होशियार है, वो इसमें आनंद नहीं लेता है, इंद्रिय सुख में अपना समय बर्बाद नहीं करता है, ऐसा इसमें बताया गया है। क्योंकि ये इंद्रिय सुख हमें बंधन की ओर खींचते हैं। इसमें कहा है, योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं और इंद्रिय सुख से परे हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा गया है। इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्त है, पशु को भी प्राप्त है ऐसा सुख, तो इसकी अपेक्षा इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन पवित्र हो जाए और असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सके। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग के कारण है। जो हमारे इंद्रिय सुख है वो भव रोग के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक दुख मिलते हैं। जो जितना इस भौतिक सुख को भोगना चाहता है उसे उतने ही कष्ट मिलते हैं, उतने ही तकलीफ मिलती है। यहाँ इंद्रिय सुख के बारे में ये थोड़े से उदाहरण से हमने समझाने की कोशिश की है। यह है पतिंगा। इसको रोशनी या आग बहुत पसंद है। पतिंगे को ये भागता है, रोशनी की तरफ जाता है, उसके पास पहुंचता है तो अग्नि उसकी जो गर्मी है उससे जल के मर जाता है उस अग्नि। लेकिन अब उसकी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है अग्नि के पास जाने की, वो भले ही वहां जाकर उसके प्राण निकल जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर भी वो जाता है अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के उससे। दूसरा यहाँ हिरण की बात आई है। हिरण को म्यूजिक बहुत पसंद है। हिरण को शिकारी जब भी इसको पकड़ने या मारने जाते हैं जैसे ही इसको देखते हैं वो म्यूजिक बजाते हैं और हिरण उस म्यूजिक को सुनने के लिए खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो म्यूजिक सुनने के लिए खड़ा होता है शिकारी या तो इसको मार देते हैं या पकड़ लेते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी जान गंवा देता है। तो तीसरा दिया है, ये जैसे फूल है, ये भंवरा है, ये फूलों से रस लेता है। लेकिन सारे फूल ऐसे नहीं है, ये फूल ऐसा है, ये इसके अंदर गया तो ये फूल बंद हो जाता है और ये मर के गिर जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी जान दे देता है। तो इसी तरह कहा गया है कि जितना हम इस तरह भागेंगे उतने हमें दुख और कष्ट मिलेंगे। और यहाँ इस मछली को दिखाया गया है,
इसको पकड़ने के लिए भी कांटे में कुछ खाने की चीज लगा देते हैं, यहाँ छोटी मछली को लगाया है, इसके लालच में ये अपनी जान गंवा देता है, फंस जाता है इसमें। और एक और यहाँ उदाहरण दिया गया है, हाथी। हाथी को पकड़ना बड़ा कठिन होता है, हाथी मारता है, क्योंकि एक तो ये बड़ा इसका शरीर है, इसको पकड़ना मुश्किल है। तो शिकारी लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हाथी का शरीर है उसी हिसाब से, और इसके ऊपर एक पतली जाली बिछा के हरे पत्ते से इसको ढक देते हैं ताकि हाथी को पता ना लगे। और इस किनारे पर अगर हाथी है तो दूसरे किनारे पर एक हथिनी को खड़ा कर देते हैं। हाथी जब उसकी तरफ भागता है गड्ढे में गिर जाता है, तो पकड़ा जाता है। तो इस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति की ओर भागते हुए सब अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसलिए इस श्लोक में समझाया गया है कि हे कुंती पुत्र, भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इनमें आनंद नहीं लेता। चतुर व्यक्ति इंद्रिय भोग की तरफ ज्यादा नहीं भागता है, वो भगवत भक्ति की ओर भागता है, वो मुक्ति चाहता है इससे, जो भगवत भक्त है। और नहीं तो जो इसी में लिप्त रहना चाहता है वो यही बार बार अपना शरीर बदलता है और यही रह जाता है इसी भौतिक बंधन में। उसके बाद हाँ ये यही सब दिखाया है इंद्रिय भोग। इसमें देखिए लालच है, लस्ट है, ये क्रोध है, ये सब जो है हमारे इंद्रिय भोग की चीजें। इसके बाद यह है इसका इसका 29वां श्लोक, सॉरी ये 29वां श्लोक इसमें दिया है। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति गच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनाम से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। इसमें इतने अच्छे तरह से इसको समझाया गया है कि माया के वशीभूत सारे बुद्धिजीव जो हम हैं माया के वश में हैं। माया के वशीभूत सारे बुद्धिजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। शांति का संबंध जो कहा है, शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है ये जाने। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उसमें रहने वाले देवताओं के भी स्वामी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, क्योंकि माया के पैर में हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, ये मेरा, ये मैंने किया, ये इस तरह से कहा गया है कि वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी और बुद्धिजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। अगर हम पूरी तरह से भगवत भक्ति करते हैं तभी भौतिक दुखों से शांति लाभ कर सकते हैं, किसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। हमें हर प्रकार से भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ना है। अगर धीरे धीरे भगवत भक्ति की राह में हम आगे बढ़ते हैं तब हम इस जो भौतिक दुख है हमारे, क्योंकि इस भौतिक जगत में कोई भी सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है, हर कोई किसी न किसी प्रकार दुखी है। अगर हमें इस भौतिक दुखों से, इस भौतिक बंधन से मुक्ति पानी है तो उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति, उसके सिवा और कोई उपाय नहीं है इस बंधन से निकलने का या इन दुखों से शांति लाभ करने का। इसमें दिया है, इसके बाद इसमें समझाया है, इसमें एक चीज और समझाई गई है कि सोने की एक ईंट मूल्यवान है और इसे कागज के वजन के रूप में उपयोग करने से बेहतर उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुमूल्य मानव जीवन का उपयोग
सांसारिक अर्थ भोग की बजाय वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। जैसे ये जो मानव शरीर है, जो हमें यह मनुष्य योनि मिली है, यह बहुमूल्य है, बहुमूल्य मनुष्य शरीर है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगला शरीर हमको मनुष्य का ही मिलेगा, किसी का भी मिल सकता है। इसलिए जब हमें यह बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिला है तो इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसका सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति करके। अगर हम भगवान की भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, भगवान के को समर्पित होके हर कार्य हम उनके लिए सोच के करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। एक ही मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति को यह बुद्धि है कि वो इस बंधन से कैसे निकले, उसका एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। और इस शरीर का एक तो हम सदुपयोग कर सकते हैं भगवत भक्ति करके, इस बंधन से, इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। और अगर हम उसको जैसे दिखाया है सोने की, इससे बहुत कुछ बन सकता है, गहने बन सकते हैं, बहुत सदुपयोग हो सकता है। इसी को हम पेपर वेट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कागज को दबाने के लिए। उसी तरह इस शरीर को हम ये भौतिक सुखों में लगा के, इंद्रिय तृप्ति में लगा के इसका नाश भी कर सकते हैं, मतलब इस बंधन से और जकड़े भी जा सकते हैं। और इसी शरीर को हम अगर दुर्लभ शरीर को भगवत भक्ति की ओर ले जाते हैं, धीरे धीरे भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हम इसका सदुपयोग कर सकते हैं, हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। और अगर हम अनन्य भक्त बन गए, भगवान के परम भक्त बन गए, तो हो सकता है हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जो भक्त भगवत धाम पहुंचाता है वो फिर लौट कर इस भौतिक जगत में कभी नहीं आता, कभी नहीं, हमेशा भगवान के सानिध्य में रहता है, हमेशा भगवान के दर्शन करता है, हमेशा उनकी सेवा में रहता है, वो फिर कभी लौट के इस भौतिक दुखमय भौतिक जीवन में नहीं आता। इसलिए यहाँ लिखा गया है इस मानव शरीर का उचित उपयोग करें। इसमें फिर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, यह पांचवा अध्याय कृष्ण भावना मुक्ति, जिसे सामान्यतः कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। कृष्ण भावना मुक्ति में कार्य करने का अर्थ है भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में भक्ति योग है और ज्ञान योग वो पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। ज्ञान योग हमें सहायता करता है भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में। कृष्ण भावना मत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। इससे चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना में उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है। क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। इसमें जोर दिया गया है कि भगवत भक्ति करके हम इस भौतिक बंधन से निकल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। आज छोटा अध्याय था प्रभु जी, जल्दी खत्म हो गया जी। जी माता जी, जी प्रभु जी, आप थोड़े प्रश्न है तो आप ले सकते। हरे कृष्ण, आकांक्षा जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न है कि इस अध्याय में कहा गया है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, तो अगर हम कोई कर्म करते हैं और उसमें बार बार फेल हो जाते हैं तो हमारा फिर फोकस थोड़ा फल में ही चला जाता है,
कि अगर हम पास होंगे या फेल होंगे या बिजनेस अगर कुछ करते हैं तो उसमें भी बार बार फेल होने पर फिर हमारा ध्यान फल में ही चला जाता है कि ये चीज कर रहे हैं तो क्या फल उसका अच्छा होगा या बुरा होगा, तो इस चीज को कैसे हम दूर करें माता जी? वही चीज इस अध्याय में समझाने की कोशिश की गई है कि जो भी कार्य आप कर हम कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसको बहुत अच्छे से करें, बहुत मेहनत के साथ करें, लेकिन उससे मुझे क्या फायदा होगा या इसका क्या निर्णय होगा अंत में, इसको सोचे बिना इसको भगवान के चरणों में छोड़ दे, उनके ऊपर छोड़ दे। अपनी तरफ से हम पूरी मेहनत करें, बहुत मेहनत करें और उसकी इच्छा ना करें, क्योंकि अगर फल की इच्छा से हम कार्य करते हैं ना माता जी, तो जब अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो ठीक होता है, अगर रिजल्ट बुरा होता है तो हमें दुख होता है। अगर हम उसके रिजल्ट के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो हमें अच्छा परिणाम होगा अच्छा लगेगा, अगर बुरा परिणाम होगा तो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने उसके फल के लिए इच्छा नहीं की है, पहले से इच्छा नहीं की है, हमने उसके निर्णय को भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। उससे क्या है, अगर निर्णय अच्छा नहीं है हमें तकलीफ कम होगी या नहीं होगी, इसीलिए इस अध्याय में कहा गया है जो भी कर्म आप कर रहे हैं बहुत अच्छे से कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं कीजिए, उसको भगवान के उसमें चरणों में छोड़ दीजिए। जैसे देखिए आप कितने बच्चे, इतने कंपटीशन है आजकल, इतने वो है स्पर्धा है, उसमें नहीं निकल पाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर हम शुरू से उनको समझाएं, उनको बच्चों को हम समझाएं कि आपका काम है मेहनत करना, आप मेहनत कीजिए, एग्जाम दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा, तो बच्चा इतना बोले हम जोर दे दे के अगर उनको कर दे कि ये करना है तुम्हें, ये करना है, ये करना है, इससे क्या होता है जब सही रिजल्ट नहीं आते हैं तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अगर हमें शुरू से ये समझाया है कि जो भी होगा अच्छा होगा, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, इससे क्या होगा अगर गलत रिजल्ट भी आएगा तो बच्चा इतना दुखी नहीं होगा, गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। जी माता जी, इसी तरह से हम खूब मेहनत करें, सब करें, पूरा काम करें, बहुत मेहनत से करें और उससे मिलने वाला फल या रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दें। जी माता जी, जी हरे कृष्णा। माता जी चैट बॉक्स में प्रश्न है जी, मृग वो मृग राजा उनके लिए पूछा गया है कि किंतु ये तो भुलावेश कार्य हुआ, फिर भी उतना भयंकर परिणाम मिला राजा मृग को। जी, उसने दो ब्राह्मणों को नाराज कर दिया, इसकी एक वजह ये थी, दूसरा वो दान पुण्य ये तो कर रहे थे बहुत, लेकिन फल की इच्छा से कर रहे थे। जी, वो फल चाहते थे, फल की इच्छा से कर रहे थे, ये भी एक कारण था उसको, उनको ये सजा मिली, लंबे समय तक छिपकली के रूप में रहना पड़ा और दो ब्राह्मणों को नाराज किया था, ये दो कारण थे। प्रभु जी 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 जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रेणुका माता जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए माता जी। अकर्म मतलब क्या है? अकर्म अकर्म है माता जी, जो हम भगवान की भक्ति में कार्य करते हैं, ऐसा कार्य जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, हम कार्य करें लेकिन बिना फल की इच्छा के या ये सोचे बिना कि इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, ये अकर्म है। बिना फल की इच्छा के जो भी कार्य हम करते हैं वो अकर्म है। ऐसे कार्य हम ज्यादातर भगवान की भक्ति में या भगवान की सेवा में करते हैं। जी प्रभु जी माता जी जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अजय गुप्ता प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु जी बोले। माता जी, भगवान कृष्ण ने जो धरती पे अवतार लिया था तो कर्म करने के लिए लिया था, किसका साथ प्रभु जी? भगवान कृष्ण ने अवतार, भगवान कृष्ण जो धरती पे आए थे जी जी जी, कर्म करने के लिए आए थे जी। हाँ बोले बोले। तो मतलब कर्म प्रधान, कर्म प्रधान है या भक्ति या ज्ञान? क्योंकि जैसे हिरन था, हिरन म्यूजिक पे के कारण मारा जाता है या भवरा फूल के अंदर दबके मर जाता है, उसमें ज्ञान नहीं है जी, है ना? जब ज्ञान हो जाता है तो वो नहीं होंगे, तो ज्ञान का नहीं सवाल है प्रभु जी, यहाँ ज्ञान का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल है इंद्रिय तृप्ति। जितना हम अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे है उतना ही हमारा विनाश है, ये सोचिए आप।
जितना हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वो ही हमारे एक बंधन का कारण है। हम फिर इस बंधन से कभी नहीं निकल सकते, भौतिक बंधन से यही रहेंगे हमेशा, यही शरीर बदलते रहेंगे। ये हम जब तक हम इंद्रिय सुख भोगना चाहेंगे। जी जी प्रभु जी, कारण हिरण जो मारा गया वो उसको इंद्रिय सुख अपना, क्योंकि उसे म्यूजिक सुनना पसंद था, तो शिकारी उसी चीज का उसको लिए तैयार बनाते हैं जी, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। जैसे भौरे को, जब मैंने आपको पहले दिखाया था ना पतिंगा, पतिंगे को पता है गर्मी से मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो रोशनी की ओर भागता है, जाता है, पहुंचता है वहां, भले ही अपने प्राण गंवा देता है। अपनी इंद्रिय की तृप्ति के पीछे जितना जो मत है उसका यही हाल है। जी प्रभु जी, तो भगवान कृष्ण धरती पे आए थे वो कर्म करने के लिए आए, वो धरती पर आए थे अपने भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का नाश करने के लिए वो धरती पर आते हैं। जब भी आते हैं अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म ज्यादा बढ़ जाता है, और जैसे नियम है, शास्त्रों के नियम है, भगवान के द्वारा बनाए गए वर्ण आश्रम है, ये सब जब जब ये चीजें खत्म हो जाती हैं और ये दुष्टों का जो वो है बढ़ जाता है, तब भगवान आते हैं अपने दुष्टों, ये भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का संहार करने, हर युग में आते हैं। जी प्रभु जी, कर्म से उनका भगवान को क्या कर्म करना, वो तो अपने भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं, उन्हें दर्शन देने, उनको दुष्टों से बचाने आते हैं। जी भगवान को संपूर्ण ज्ञान है, मतलब जब अर्जुन भी प्रश्न करते हैं तो वो मुस्कुराते हैं खाली, क्योंकि वो भगवान को ज्ञान है पूरा। भगवान को सब कुछ है प्रभु जी, वो उनके सिवा ज्ञानी कोई है ही नहीं। हाँ, तो मतलब यहाँ पर भक्ति, आज का जो पाठ है उसके हिसाब से भक्ति यहाँ पर गौण हो जाती है। प्रभु जी, भक्ति ही सबसे उत्तम है, भक्ति का मार्ग ही हमें इस बंधन से निकाल सकता है। अगर भक्ति के मार्ग को अपना कर ही व्यक्ति इस भौतिक बंधन से निकल सकता है, उसके सिवा कोई और उपाय नहीं। भक्ति ही सब उत्तम है, भक्ति ही सब केवल जी, भगवान केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान ज्ञान मूर्ति है, भगवान सब कुछ है जी, भगवान सब कुछ है। वो सच है ऐश्वर्य, मैंने भगवान के आपको बताए थे षड ऐश्वर्य युक्त, वो भी असीम, उसमें ज्ञान भी उतना ही है भगवान में, वैराग्य भी उतना ही है भगवान के, सुंदर भगवान से सुंदर कोई नहीं है, और संपत्ति भगवान के बराबर संपत्ति किसी के पास नहीं है उनका, और ये छह ऐश्वर्य मैंने आपको बताए थे, और शक्तिमान भगवान के बराबर शक्तिमान कोई नहीं है, जिसमें ये छह ऐश्वर्य है षड ऐश्वर्य, वो भी असीमित, वो भगवान है। जी प्रभु जी, जी हरे कृष्णा प्रभु, हरे हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, सुनील कुमार प्रभु जी का प्रश्न पूछ सकते। माता जी दंडवत, माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी माता जी, एक थोड़ी सी शंका है, ये है कि जैसे भगवत भक्त होता है, भक्ति वाला होता है, तो भगवान के धाम वैकुंठ वाला होता है ना, तो अपना गौलोक वृंदावन लोक में, तो क्या वो फिर बिल्कुल भगवान के साथ कभी कृपा करके नीचे भेजते हैं कि उनको अपने साथ लाते कि नहीं लाते कभी? प्रभु जी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, आप बोलिए तो, धीरे धीरे बोलिए तो जी। जैसे हम भक्ति से वृंदावन लोक में या गोलोक में चले गए जी, तो क्या कभी प्रभु के साथ फिर दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे पृथ्वी पे? कहां दोबारा कभी दोबारा पृथ्वी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, भगवान के साथ, जैसे कभी भगवान के साथ कभी पार उनके अनुयायी बन के या कुछ बन के, जैसे प्रभु जी भक्त तो नहीं आते हैं जहाँ तक मेरे को पता है। अच्छा अच्छा जी, वो हमेशा उनके सानिध्य में वहां रहते हैं, और भक्त को तो वो भौतिक जगत में रहे या भगवत धाम में, भगवान की भक्ति चाहिए ना। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, उनकी भक्ति करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं हमेशा। जी जी प्रभु जी, जैसे गोलोक वृंदावन, यहाँ वृंदावन में जैसे लीला करते थे, गोलोक वृंदावन में भी वैसे ही लीला चलते है। समझ गया समझ गया समझ गया, ठीक है। अरे हरे कृष्ण, दंडवत माता जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। संगीता माता जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण जी, बोलिए बोलिए माता जी। माँ
मेरे को एक संशय आ रहा है कि जैसे आम धारणा यही है कि श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान है वो अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया जी, अब आपको ये बताया कि 20 लाख पहले ही ये भगवत गीता जो है वो पृथ्वी पर आ चुकी थी, आ चुकी थी जी माता जी, कल बताया था जी, सूर्य देव विश्वान को दिया। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या उस समय जो भगवान का रूप था वो क्या रूप था उस समय तक, वही रूप था जो कुरुक्षेत्र में था, कोई फर्क नहीं था जी जी, कोई फर्क नहीं था माता जी, वही रूप था जो कि कुरुक्षेत्र में था जी जी माता जी, क्योंकि भगवान माता जी भगवान का जो रूप है वो कितना ही समय हो 25 साल से ऊपर हो दिखता है वो हमेशा नवयौवन रहते हैं, यही रूप था तब भी भगवान का, हमेशा वो 25 साल से ऊपर नहीं दिखते हैं भगवान, जबकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनके पुत्र ही नहीं उस समय, पौत्र भी थे लेकिन भगवान वही 25 साल से ऊपर उनके उम्र कभी नहीं दिखती है जी माता जी जी, बोलिए बोलिए। धन्यवाद दूर करने के लिए, आम धारणा और ज्ञान यही है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, नहीं ये सच है माता जी, दिया था ये तो 20 लाख साल पहले सूर्यदेव को दिया था, पहले सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने अपने बेटे को इक्ष्वाकु को, जो उनका बेटा भी था शिष्य भी था, इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु उस समय इस पृथ्वी पर शासन कर रहे थे इसलिए उनके साथ ये ज्ञान आया पृथ्वी पर, लेकिन क्या हुआ बाद में इसकी परंपरा टूट गई और लोगों ने अपने अपने मन से इसके टीका लिखने शुरू कर दी, भौतिक व्यक्ति तो ऐसे भगवत इस पर भगवत गीता पर टीका लिखेगा तो वो अपने भौतिक विचार जरूर उसमें डालेगा, इस तरह ऐसा लगा कि भगवत गीता का जो है लुप्त हो गई है भगवत गीता, इसलिए भगवान ने दोबारा अर्जुन को ये ज्ञान दिया कुरुक्षेत्र में, अर्जुन को ज्ञान दिया इसी कारण हम इसको पढ़ और सुन पा रहे हैं जी माता जी जी जी, हरे कृष्ण आभार माता, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण जी, हरे कृष्णा सोनिका माता जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए माता। माता जी मेरे दो सवाल है, पहला प्रश्न ये है कि जैसे हमें मानव जीवन मिला है और हमारा मानव जीवन का जो भी कर्म फल है वो उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल होगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल होगा, माता जी जैसे हम दैनिक कार्य करते टाइम जैसे कि घर की साफ सफाई या रख रखाव करते टाइम जो भी जीव हत्या हो जाती है वो तो अनजाने में होती है ना, फिर उसका हम हमें पर हमारे पर क्यों लगता है, ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है, जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल है तो मैं उनको मतलब उनकी सेवा करती हूँ और हमेशा लाड प्यार से, जैसे मेरी छोटी सी बेटी है 1 साल की 1.5 साल की है तो मैं उनको बताने के चक्कर में हमेशा ओ कान्हा ओ कृष्णा ही कन्हैया ही नंदलाला ऐसा करके बुलाती रहती हूँ, तो क्या मुझे इसका पाप लगेगा? नहीं माता जी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही नहीं लगेगा, भगवान से स्नेह करना तो अति उत्तम है, भगवान से उनकी भक्ति साथ में भक्ति भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली इसमें भगवान की भक्ति भी, उनका आदर भी, उनकी भक्ति भी और स्नेह करना, भगवान से स्नेह करना तो बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत ही उत्तम बात है जी। दूसरा आपने पूछा ये कीड़े मकोड़े की, उसकी बात कर रहे हैं आप, जिसकी उम्र जितनी कम होती है माता जी उसका पाप हमें उतना कम लगता है, ठीक है ठीक है, जैसे जिसकी उम्र ज्यादा है जैसे पशु है, पशुवध है या व्यक्ति को मारना है, इसमें हमें अधिक पाप है, बड़ी सजा है, लेकिन जिसकी कीड़े मकोड़े की जिसकी उम्र जितनी कम होती है उतना कम हमको पाप लगता है, लेकिन फिर भी कोशिश की है कि हाथ से न मारे, हम जानबूझ के न मारे, अनजाने में हो तो कोई बात नहीं जी माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अनजाने में मतलब जिनकी हत्या अनजाने में हो जाती है उसके लिए अगर प्रायश्चित करना हो तो क्या प्रायश्चित कर सकते हैं माता जी? प्रायश्चित क्या है, भगवत भक्ति हमारा सबसे बड़ा प्रायश्चित है, भगवान की भक्ति करें और ये भगवत नाम ये महामंत्र का जप कीजिए तो फिर कोई जी जी माता जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राकेश प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। जी जी बोलिए बोलिए माता जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि
परमात्मा का मतलब थोड़ा बता दीजिए और दूसरा है कर्म का मतलब थोड़ा बता दीजिए। जी कर्म का मतलब है, कर्म तीन प्रकार से मैंने कल आपको बताए थे। कर्म का मतलब है जो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, जैसे हम ये सोचते हुए करते हैं कि ये काम करने से मुझे क्या फायदा होगा, ये जो है ये कर्म है। इस तरह के कर्म से, जिस फल की इच्छा से या अपनी खुशी के लिए, अपने इंद्रित्व के लिए जब हम कर्म करते हैं, तो इस भौतिक बंधन जिसमें हम हैं इससे हम और बढ़ते जाते हैं, निकलना दूर इससे हम और बढ़ते जाते हैं, यह है कर्म। दूसरा है अकर्म। अकर्म में है जो हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की सेवा में करते हैं, तो ऐसे जो अकर्म है उससे हम इस बंधन से निकलने की कोशिश करते हैं। जी प्रभु जी। और तीसरा है विकर्म, ऐसे कुछ कर्म है जो हमें नहीं करने चाहिए। जी, तो इसलिए प्रभु जी जो भी कर्म आप करें फल की इच्छा के बिना करें तो वो अकर्म हो जाएगा, वो हमें इस भौतिक बंधन से बांधेगा नहीं, बल्कि हम इससे निकलने की कोशिश करेंगे। जी प्रभु जी। मैम परमात्मा का मतलब? परमात्मा भगवान, भगवान परमात्मा भी बोलते हैं हम उनको, ईश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। भगवान का एक अंश रूप, भगवान का ही अंश रूप परमात्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के अंदर है, और हमारे अच्छे बुरे कर्म जो भी हम कर रहे हैं उनके साक्षी हैं, गवाह है। हम सोचते हैं ना कि ये काम हम चुपचाप कर रहे हैं, इसे कौन देख रहा है, नहीं, भगवान उसके साक्षी हैं। भगवान हमारे हर कर्म के साक्षी हैं, अच्छा कर रहे हैं उसके भी बुरा, और दोनों के हमें फल भोगने हैं। अच्छा कर रहे हैं अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर रहे हैं बुरे फल मिलेंगे, क्योंकि भगवान आत्मा के साथ प्रत्येक प्राणी के अंदर स्थित है, गवाह है, नोट कर रहे हैं हमारा एक एक कर्म, उसी के अनुसार हमें अगला शरीर मिलता है, अगला जीवन मिलता है, सब कुछ हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। आप ये सोचिए ये जीवन हमारे अगले जीवन की तैयारी है, जैसा आप करेंगे वैसा ही उसी के अनुसार आपको सब कुछ मिलेगा अगले जीवन में। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। संजय प्रभु जी आप अनम्यूटेड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही जी। माता जी वो अनम्यूट है जी, दूसरा ले लीजिए प्रभु जी, बाद में देखें। हेलो, सुन रहे हैं आपको? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा जी। दो 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 प्रश्न है मेरे। पहला तो आप ये बात कर रहे थे कि 16 या 18 माला के जप क्या होता है, मुझे बता दीजिए। और दूसरा प्रश्न ये है कि कृष्णा भगवान अर्जुन को एज ए आदमी, एज ए मानव की तरह बता रहे हैं या फिर भगवान रूप में ये बात कर रहे हैं? प्रभु जी वो तो है भगवान साक्षात, लेकिन वो अभी मनुष्य रूप में है। दूसरा, अर्जुन को अभी मालूम ही नहीं है कि जिन्हें वो अपना मित्र मानते हैं, सखा मानते हैं, वो सच में भगवान है, पर वो नहीं जानते हैं अभी अर्जुन, लेकिन बाद में 10वें अध्याय में अर्जुन जान जाएंगे, 11वें में तो फिर विराट रूप दिखाएंगे जाएंगे, लेकिन अभी अर्जुन को पता नहीं है, इसलिए वो अपने मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और भगवान बिल्कुल मनुष्य रूप में है, वो दिखा नहीं रहे हैं कुछ भी, इसलिए सिर्फ भीष्म पितामह के सिवा कोई नहीं जानता है कि वो भगवान है। जी प्रभु जी। अब दूसरी बात, पहला आपने क्या पूछा था? आप बोल रहे थे ना कि 16 माला का जी प्रभु जी, क्या है कि जब हम इस भक्ति की मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, भक्ति के मार्ग को अपनाना चाहते हैं या इस भौतिक बंधन से निकलना चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है। उसके लिए जो हमारी पहली पाठशाला है, जहां से हमें शुरुआत करनी है, वो है महामंत्र का जप। ये महामंत्र का जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र इसको कहा गया है, ये हमारे वेदों से आया है। और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु जब आए थे,
नवद्वीप मायापुर में भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, तब उन्होंने ये मंत्र हमको दिया है हमारे उद्धार के लिए, ताकि हम इस भौतिक बंधन से निकल सके आसानी से। जितना आपको समय हो, एक माला दो माला इससे आप शुरू कर सकते हैं। जी प्रभु जी, जी जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रेडमी प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण माता जी। जी 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 बोलिए माता जी, बोलिए। माता जी मेरा प्रश्न है, जैसे भीष्म पितामह पांडु पुत्र से तो बहुत स्नेह करते थे जी माता जी, तो फिर जब उस युद्ध में उसने फिर कौरवों को क्यों, कौरवों के पक्ष में क्यों चले गए? माता जी इसका कारण खास करके ज्यादा स्नेह करते, सुनिए माता जी, इसका कारण था भीष्म पितामह ने जब प्रतिज्ञा की थी, भीष्म प्रतिज्ञा आपने सुनी होगी ना, भीष्म प्रतिज्ञा जब की थी तब उन्होंने कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इस राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा, लेकिन बाहर से हमेशा मेरे प्राण रहने तक इस राज्य की देखभाल करूंगा। और राज्य है उनके धृतराष्ट्र के पास, और दुर्योधन धृतराष्ट्र का पुत्र है, तो वो उस अपने वचन से बंधे हुए हैं, इसलिए वो उनके साथ लड़ने के लिए विवश है। जबकि उन्होंने जब पांडव उसे आशीर्वाद लेने गए थे युद्ध में जाने के पहले, उन्होंने विजय का आशीर्वाद पांडवों को दिया था, वो मन से पांडवों के साथ थे भीष्म पितामह, बहुत ही स्नेह करते थे वो पांडवों से, लेकिन अपने वचन के अनुसार, वचन से बंधे होने के कारण वो मजबूर थे उसके दुर्योधन के साथ में युद्ध करने के लिए। जी माता जी ये कारण। जी हरे जी हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जया माता जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा माता जी। जी जी माता जी, हम यज्ञ वगैरह जो करते हैं तो उसमें जैसे वर्षा के लिए हम विष्णु भगवान का यज्ञ करते हैं उन्हें प्रसन्न करने के लिए, तो हर यज्ञ का हर एक मंत्र होता है, हर एक आराधना होती है, पर हर यज्ञ में हम अंत में बोलते हैं स्वाहा, तो हम वो स्वाहा का मतलब क्या होता है, हम वो स्वाहा क्यों कहते हैं? वो तो माता जी मंत्रों के साथ जो हम सामग्री हवन में डालते हैं ना अग्नि में, जी अग्नि में जब हवन सामग्री हम डालते हैं तब स्वाहा बोलते हैं, और जो वर्षा के लिए यज्ञ होता है वो इंद्र के लिए किया जाता है, ना कि भगवान विष्णु के लिए। बारिश इंद्र क्योंकि विभाग सौंपे हुए हैं भगवान ने ना देवताओं को ब्रह्मांड की देख रेख के लिए, तो इंद्र के लिए किया जाता है ताकि वर्षा करे। जी माता जी। जी जी हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अजय प्रभु जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। माता जी भगवान अनंत असीम हैं जी, तो क्या उनको किसी रूप और आकार में बांधा जा सकता है? वो तो बंधे हैं प्रभु जी रूप में, भगवान तो साक्षात है ना, आप मंदिर में देखते हैं ना, जैसे रूप या आकार दिया जा सकता है? भगवान रूप में है प्रभु जी, भगवान आसमान की तरह कलर है उनका, श्याम वर्ण है वो, तो जैसे आप मंदिर में विग्रह देखते हैं ना, तो आप तब आपके मन में यह आना चाहिए तो साक्षात भगवान खड़े वास्तव में खड़े हैं, जो देखते हैं आप वहां भगवान मंदिर में वो साक्षात है, क्योंकि भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, इसीलिए वो भगवान राम के रूप में लीला करने आए, भगवान कृष्ण के रूप में लीला करने आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला करने आए, लेकिन जो मायावादी है उनका कहना है कि भगवान का रूप नहीं है, वो निराकार भगवान का ध्यान करते हैं, निराकार भगवान का वो चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो साकार रूप में है, तभी तो वो लीला करने आए इस पृथ्वी पर। जी प्रभु जी। जी जी धन्यवाद मदर। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृतिका माता जी आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे हम अच्छे कर्म और बुरे कर्मों की बात करते हैं, लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं हमारे लिए वो अच्छा ही है, तभी हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर कोई खून कर रहा है या फिर चोरी चकारी ये सब काम कर रहा है, अगर उसे ये एहसास होगा कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो वो करेगा ही नहीं। तो जी, जी माता जी। हरे कृष्णा। म्यूट हो गई ऐसा लग रहा है प्रभु जी। जी जी माता जी। नहीं, हरे कृष्णा। अनम्यूटेड ही है वो तो, आवाज ही नहीं है। हरे कृष्णा
नहीं हुआ, उनका क्वेश्चन ही पूरा नहीं हो पाया। हरे कृष्ण माता जी, माता जी आवाज नहीं आ रही जी, वो नेटवर्क प्रॉब्लम। माता जी प्रश्न ये है कि जैसे अच्छे कर्म और बुरे कर्म है, तो जैसे जो लोग ये मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट हैं, जैसे चोरी वगैरह कर रहे हैं, तो अगर इन्हें ये एहसास होगा कि मैं बुरा काम कर रहा हूँ तो वो करेंगे ही क्यों, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ इसीलिए वो कर रहे होंगे। तो माता जी हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है कि बुरा है? माता जी ये तो एक छोटे से बच्चे को भी पता लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा भी इसको जानता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, वो भी समझते हैं मैं ये गलत कर रही हूँ, लेकिन वो अपने उसके के लिए करते हैं और फिर उसके भयावह परिणाम भी भोगते हैं। माता जी भयावह परिणाम, वो यहाँ तक कि जो किसी को मारता है उसको तो फिर मनुष्य देह मिलना ही मुश्किल है, नरक भोगेगा वो पहले, तो उसके बाद 84 लाख योनियां भोगेगा, तब कहीं जाके उसको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती हैं उसको, फिर कहीं आके उसको मनुष्य, इसीलिए इस मनुष्य देह को दुर्लभ कहा गया है। जब हमें दुर्लभ मनुष्य देह मिली है तो हमें ऐसे कर्म के लिए, ऐसे उसके लिए सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें अपने को अगर इस भौतिक बंधन से, इन कष्टों से बचाना है तो हमें भगवत भक्ति करनी चाहिए। एक छोटा से छोटा कार्य जो हम करते हैं, अच्छा या बुरा, उसका भी हमें फल मिलता है माता जी, क्योंकि माता जी अगर साक्षी है उसके, भगवान साक्षी है जी। माता जी जैसे ये लोग काम कर रहे हैं ये काम, तो इन्हें चलो पता भी है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर ये फिर से रिपीट रिपीट कर रहे हैं जी। माता जी वो इसलिए कर रहे हैं कि वो पिछले जन्म में इतने बुरे कर्म करके आए हैं कि उसके कारण उनकी मति उस तरह की है। वो ये जहाँ हम जो कुछ भी भोगते हैं, सुख दुख सब कुछ, ये हमारे पिछले जन्म में किए गए कर्मों के फल है। तो वो अब एक तो वो पहला जन्म के उनको भोग रहे हैं, दूसरा अपने अगले जन्म को नष्ट कर रहे हैं। अगले जन्म में फिर वो पशु योनि में या किसी और योनि में वो जाएंगे, उनको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा ऐसे कर्म करने वाले को। जी माता जी, जी माता जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी अब हो फिर से दुआ, प्रभु जी ये दो लास्ट ठीक है, आप लोगों को मैं रोज देर कर देती हूँ। जी प्रभु जी, दर्पत प्रभु जी आप प्रश्न। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, मुझे ये जानना था माता जी कि जो अपने संसारिक मुक्ति के लिए एक निराकार जो भक्ति हो, जो एक तरीके है निराकार रूप से, क्या वह गलत तरीका है? नहीं माता जी, नहीं प्रभु जी, गलत नहीं है, लेकिन तकलीफ देह है थोड़ा, उसके लिए हमें अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है उसमें, क्योंकि क्या है कि बिना इंद्रिय तृप्ति, बिना ये इसमें इंद्रियों को बस में किए गए, बिना इंद्रियों को बस में किए वो साकार रूप में भक्ति कर रहा है या निराकार रूप में, आगे बढ़ना कठिन है। उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, अष्टांग योग या और योग के द्वारा इंद्रियों को बस में करने की कोशिश करते हैं, और ध्यान के द्वारा, क्योंकि वो कहते हैं भगवान का शरीर नहीं है, निराकार भगवान का ध्यान करते हैं। अगर अपनी इस तपस्या में सफल हुए तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, जो उनका ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने का उनका ये होता है, वहां से भी कभी कभी फिर इस पृथ्वी लोक में गिरने का डर उनको बना रहता है। और जो साकार रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं उनको किसी भी कृत्रिम साधनों से अपनी इंद्रियों को बस में करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो धीरे धीरे स्वतः ही उनकी इंद्रियां बस में आ जाती है, और साकार रूप में भगवान की भक्ति करना सरल है, इसमें कहीं अपने शरीर को कष्ट देने वाली बात नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। माता जी चैट बॉक्स में प्रश्न है जी, कर्म और अकर्म के बारे में पूछ रहे हैं, और लास्ट में ऐसे पूछ रहे हैं कि भगवान अर्जुन को कर्म करने के लिए कहते हैं और फल की आशा न रखने के लिए कह रहे हैं, जो जी, कीजिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कर्म करने के लिए, कौन सा कर्म? कृष्ण भावना भावित कर्म, जो भगवान की सेवा में किया जाए ऐसा कर्म, या अकर्म भी आप इसको कह सकते हैं,
भगवत भक्ति में कर्म करने के लिए कह रहे हैं, बिना फल की इच्छा के कर्म करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कर्म हमें भक्ति के मार्ग में जब हम ऐसा कर्म करते हैं, बिना फल की इच्छा के कर्म करते हैं, भगवान की खुशी के लिए कर्म करते हैं, उनकी सेवा के लिए कर्म करते हैं, तो हम इस भवबंधन से निकलते हैं, इस भवबंधन से निकलने की कोशिश करते हैं। और आप कर्म के बारे में कह रहे हैं, अगर कर्म हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, फल की इच्छा से करते हैं, इस कार्य से मुझे क्या फायदा होगा, ये सोच के अगर हम करते हैं तो हम इस बंधन से और बचते हैं निकलने की जगह। ये यही उनके दोनों प्रश्नों का उत्तर है प्रभु जी। जी 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 माता जी, माता जी, और एक प्रश्न ऐसा है कि संन्यास क्या होता है, ऐसा पूछ रहे हैं। संन्यास के लिए जैसे वैसे तो इस कलयुग में वर्जित ही है, एक तरह से मुश्किल है नहीं पाना। संन्यास क्या है, जब भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ गया है काफी, जैसे ये जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं या इस्कॉन के जो भक्त हैं, वो अभी भी संन्यास लेते हैं कुछ, उसमें थोड़ा, उसमें क्या है कि जब भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ गया है, शुद्ध उसको उसका उसका जो मन है पूरी तरह शुद्ध हो गया है, पूरी तरह भक्ति में है, वो पूरी तरह समर्पण है भगवान को और उनके चरणों में, तो वो व्यक्ति संन्यास में क्या है कि वो सब चीजों से अलग है, फिर सब चीजों से अलग है वो, उसको फिर ये जो भौतिक बंधन है इससे अलग है, वो सिर्फ भगवान की भक्ति में है उस, और भगवान ही उसका साथ देंगे उसको, और कोई लोग सहायता भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो अपने घर में नहीं रह जा सकता है, किसी भी ग्रस्त के घर में वो नहीं रह सकता है, सन्यासी के कुछ नियम है जो उसको मानने होते हैं। तो संन्यास का मतलब है ये जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक लगाव है, भौतिक बंधन है, उनसे मुक्ति, भौतिक बंधनों में वो फिर नहीं है क्योंकि वो पूरी तरह भगवान की भक्ति कर रहा है, वो है संन्यास। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी माता जी, एक एड्रेस हुआ है तो... जी ले लीजिए प्रभु जी, लास्ट ले लीजिए। जी जी, चंद्रमोहन प्रभु जी, आप प्रश्न पूछ सकते। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, बोलिए प्रभु जी। माता जी, अभी आपने कहा कि अष्टांग योग से इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है। जी 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 प्रभु, अष्टांग योग क्या क्या होता है माता जी? प्रभु जी हम बताएंगे आपको, एक अध्याय में अष्टांग योग के बारे में दिया है, मेरे ख्याल से कल के शायद। अच्छा अच्छा, जी जी बताएं, पूरा बताएंगे उसके बारे में। जी प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, बस ना हो गया। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा, फिर कल मिलते हैं, ठीक है जी माता जी। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा।